जिसने भी ये भोजन बनाया है उसको मेरा प्रणाम। गुंडप्पा। प्रणाम गुलुजी। गुंडप्पा, तुम्हें क्षुधा नहीं सता रही? गुलुजी, पहले आपका काम संपन्न कर दो, फिर मैं अपनी क्षुधा को भी शांत कर दूंगा। ठीक है। युद्धवीर पुत्र, यहां आओ। पुत्र युद्धवीर, गुंडप्पा पर दृष्टि बनाए रखना, वो बहुत ही चालाक है, और कुछ भी संदेह हो मुझे आके सूचित करना। जो आज्ञा गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम प्रणाम। वो सेवक जिसे आज कारावास में डाला गया है कहाँ है? यहाँ है गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। सैनिक, तुम बाहर जाओ, हमें इससे आवश्यक बात करके कुछ जांच पड़ताल करनी है। जो आज्ञा गुरुवर। आदिनाथ, आदिनाथ। गुरुवर, गुरुवर मैं निर्दोष हूँ गुरुवर, गुरुवर मैंने जल में विष नहीं मिला, मेरे दो दो बच्चे हैं गुरुवर, गुरुवर मुझे बचा लीजिए। इसीलिए तो हम आए हैं आदिनाथ, हमारे समीप आओ। हम जानते हैं तुम निर्दोष हो, इसीलिए ये भस्म लाए हैं तुम्हारे लिए। प्राचीन शिव मंदिर की भस्म है, इसके आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और हमारे भी संकट मिटेंगे। अपने नेत्र बंद करो। जी गुरु। क्या है गुरुवर? आदिनाथ, तुम अपने चिता स्वयं तैयार करोगे, तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा और पंडित रामाकृष्णा को देशद्रोह के अपराध में देश निकाला। अब ध्यान से सुनो कि तुम्हें करना क्या है। वो तो अच्छा, तुम्हारे शारदा से अतिरिक्त भोजन ले लिया था, अब मैं निश्चित होकर अपनी क्षुधा शांत कर लूंगा। हाथ धो लेता हूं। गुंडप्पा, तुम्हें ज्ञात है ना तुम्हारे घर के भोजन में कितनी रुचि है? जी गुलू जी। लाओ मुझे दो।
स्वादिष्ट। सभी पात्रों में जल संचय कर दिया? जी गुरुजी। जी उचित है, अब तुम गुरुकुल की सफाई करो। आओ पुत्र युद्धवीर, चले। महाराज, आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। अब जो जो आज्ञा महाराज। क्षमा करें महाराज, किंतु आपकी वाणी को क्या हो गया? आप ही के अनुग्रह से हुआ ही। आप ही भेजा था ना वो व्यक्ति उदास हमारे निवास पर, उसी के हाथ से जल पीकर आज प्रातःकाल से हमारी पानी, क्या नाम है उसका, आदिनाथ, आदि महामंत्री जी। जी महाराज। भस्म का प्रभाव केवल 2 घंटे तक ही रहता है, हमें तत्काल ही आदिनाथ को दरबार में बुला लेना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। महाराज, हमारे विचार से और विलंब किए बिना आदिनाथ को उसके दुस्साहस का दंड दीजिए। हमसे सहन नहीं हो रहा महाराज, हमारी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। महाराज कहीं ऐसा ना हो कि हम स्वयं तलवार उठाकर उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दें। जी महाराज, हम समझ गए महाराज। आदिनाथ को महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। लीजिए, आपका भेजा हुआ ये सेवक राज दरबार की मर्यादाएं भूल चुका है, हमें बड़ा अमीर कर रहा है। आदिनाथ, आदिनाथ, आदिनाथ महाराज को प्रणाम करो। प्रणाम महाराज। आदिनाथ, इससे पूर्व कि हम तुम्हें दंड सुनाए, नियमानुसार तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का अवसर देते हैं। हाँ बोलो बोलो आदिनाथ, क्या बोलना चाहते हो? महाराज, मैं अशुभ हूँ। मेरे अशुभ होने के कारण ही आपकी वाणी प्रभावित हुई। मेरे अशुभ होने के कारण मेरे स्वामियों को जो हानि पहुंची है, अगर मैं उसकी कथाएं सुनाने लगूं तो रात्रि हो जाए। शिव 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 शिव। आदिनाथ ये बताओ कि क्या पंडित रामाकृष्णा को तुम्हारे अशुभ होने के संदर्भ में ज्ञात था? जी गुरुवर, मैं अशुभ हूं महाराज, परंतु मिथ्याभाषी नहीं। प्रथम दिवस ही पंडित रामाकृष्ण को सब सत्य बता दिया था। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आदिनाथ, इस संदर्भ में हमारी कोई बात नहीं हुई थी। और ये शुभ अशुभ क्या लगा रखा है महाराज? शुभ अशुभ हमारे मन की बनाई हुई मिथ्या शंकाएं हैं, अंधविश्वास हैं, यथार्थ से इनका कोई संबंध नहीं होता। कृपया इन बातों पर तनिक भी ध्यान ना दे। ये मिथ्या शंकाएं नहीं है पंडित रामाकृष्णा, मिथ्या शंकाएं नहीं है, हम ये दरबार में सिद्ध कर देंगे। पहले आप ये बताइए कि क्या आदिनाथ ने आपको ये नहीं बताया था कि वो कलिंग के एक नगर सेठ के यहां कार्यरत था, जिन्होंने सन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया? बताया था गुरुवर, बताया था महाराज।
जिस दुकान पर आप आदिनाथ को मिले थे, क्या उस दुकान का स्वामी अपनी दुकान को बंद करने वाला नहीं था? बंद करने वाला था, परंतु मैं... बंद करने वाला था। सुन लीजिए महाराज, आप स्वयं सुन लीजिए। पंडित रामाकृष्णा स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें सब ज्ञात था, फिर भी पंडित रामाकृष्णा को इस अशुभ आदिनाथ को रनिवास में चयनित करते हुए कोई आपत्ति नहीं हुई। देखिए गुरुवर, मैं केवल हम अभी बात कर रहे हैं। महाराज, कभी कभी कुछ व्यक्ति विचित्र ग्रह नक्षत्र में जन्म लेते हैं, जिससे उनकी छाया किसी पर पड़ना भी अशुभ होता है। हमने आदिनाथ की कुंडली का अध्ययन किया और पाया कि इसकी कुंडली में भी वही कुछ ग्रह स्थिति बन रही है। महाराज, ये आदिनाथ एक चलता फिरता अशुभ शुभ पुतला है। और हमें दुख इस बात का है महाराज कि पंडित रामाकृष्णा ने इस अशुभ आदिनाथ को आपके समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। महाराज, गुरुवर सत्य कह रहे हैं। ये तो ईश्वर का धन्यवाद है कि केवल महाराज की वाणी पर असर हुआ है, अन्यथा पता नहीं क्या हो जाता। शत्रु आक्रमण कर सकता था, सेना का विद्रोह हो सकता था, राज परिवार में किसी की मृत्यु। शिव 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 शिव। गुरुवर, यदि ग्रह नक्षत्र के कारण कोई व्यक्ति इतना अशुभ होता कि उसकी छाया मात्र से किसी को हानि पहुंचती या उसका अहित हो सकता था, तो राज्यों में इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं तैयार नहीं की जाती। गुप्त योद्धा जो हत्या करने में प्रवीण होते हैं, उन्हें भी तैयार नहीं किया जाता। विषकन्याएं जिन्हें बचपन से ही प्रशिक्षण दी जाती है, उन्हें भी प्रशिक्षित नहीं किया जाता। यदि किसी को कोई हानि पहुंचानी होती तो ऐसे अशुभ व्यक्ति को उनके समीप छोड़कर आ जाता और अपना कार्य भी सिद्ध कर लेता। जैसा आपने अपना कार्य सिद्ध कर लिया पंडित रामाकृष्णा। गुरुवर, आप कहना क्या चाहते? मैं महाराज का अहित चाहता हूँ। देखिए पंडित रामाकृष्णा, पंडित रामकृष्णा, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको आदिनाथ की अशुभता के विषय में ज्ञात नहीं था, अन्यथा आप इन्हें हमारे निवास पर नियुक्त नहीं करते। परंतु महाराज, शांत हो जाइए गुरुवर। हमें अभी आदिनाथ का दंड निर्धारित करना है। महाराज, महाराज, हमारी राय में आदिनाथ को देश निकाला दे देना चाहिए। हमें आपसे ऐसी आशा नहीं थी तिमाराशु जी। सब कुछ ज्ञात होते हुए भी हम कैसे किसी दूसरे देश के निर्दोष व्यक्तियों के जीवन को संकट में डाल सकते हैं? ये व्यक्ति आदिनाथ, ये अशुभ व्यक्ति, ये जहां भी जाएगा अशुभ अशुभ करता जाएगा, अशुभता फैलाएगा। तो फिर गुरुवर, हमें क्या करना चाहिए? मृत्युदंड। हमें आदिनाथ को मृत्युदंड देकर इस संकट का सदा के लिए निवारण कर देना चाहिए। आदिनाथ को मृत्युदंड देना ही उचित होगा। अतः हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय आदिनाथ को मृत्युदंड देते हैं। पश्चात आदिनाथ को फांसी पर लटका दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों, ले जाओ इसे। वचन दीजिए रामाकृष्ण, अन्यथा हमें विवश होकर अपने बच्चों के सही साथ हत्या करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं यदि आपके आपके पति को कारावास से मुक्त नहीं करा पाया तो मैं अष्टदिग्गज का पद त्याग दूंगा। अष्टदिग्गज का पद त्याग दूंगा। Thank you.
गुरुजी बाजी तो पलट गई, अब आपको अप्पाराव को उसकी देवी स्वर्ण मुद्राएं वापस नहीं लौटानी पड़ेगी। अब उसकी कमाई का आधा हिस्सा आपके हिस्से में होगा गुरुजी, आपकी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। चलो उठा के कौन आ रहा है? ये व्यक्ति कौन है? आदाब हुजूर। प्रणाम। आप कौन? हुजूर मेरा नाम सिराज है। महाराज मैं एक व्यापारी हूँ, परंतु आज विजयनगर में मैं व्यापार करने के इरादे से नहीं आया, बल्कि मैं आपके लिए चुनौती लेकर आया हूँ। इतना दुस्साहस, तू भरे दरबार में हमारे समक्ष हमारे महाराज को चुनौती देता है? माफ कीजिएगा गुरुवर, परंतु हमने विजयनगर के दरबार के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने सुना है कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, महाराज कृष्णदेव राय उसे पल भर में मुकम्मल कर लेते हैं, और मेरी चुनौती खाली नहीं है गुरुवर। और अगर महाराज ने इस चुनौती को मुकम्मल किया तो इसके बदले में मैं महाराज के चरणों में 100,000 सोने की अशर्फियां रख दूं। सोने की अशर्फियां? तुम्हारी चुनौती क्या है सिराज? प्रथम उस विषय में बताओ। बहुत ही आसान है महाराज, केवल आपको इस कोयले की बोरी को बेचना है। कोयले की बोरी को बेचना है। ये कैसी चुनौती है? कोयले का उपयोग तो लोग ईंधन के रूप में करते ही हैं, इसकी बिक्री करना तो अत्यंत आसान होगा। आप सही बोल रहे हैं महाराज, इसलिए मेरी चुनौती ये है कि आपको इस कोयले की बोरी को विजयनगर के सेठ बालचंद्रू को 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेचना होगा। 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेचना होगा? क्या मूर्ख मत बनाओ, पकौड़े तोलते हुए 2 कांस के मुद्राओं का मूल्य का तेल तुम्हारे हाथ में लग गया, फिर मैं 10 मुद्राएं क्यों दूं? मैं धोबी हूँ, ये बालचंद्रु प्राय मुझे मूर्ख बनाता है, आमजन मुझे वस्त्र धोने को गिन के देती है, मगर ये बालचंद्रु सेठ मुझे तौल के वस्त्र देता है, और जब वापस आता है लेने तो कहता है कि भार कम है और मेरा धन काट लेता है। महाराज चुनौती मुकम्मल करने के बदले मैं आपको क्या दूंगा ये तो मैंने आपको बता दिया, और अगर आप इस चुनौती को मुकम्मल नहीं कर पाए तो आपको इसके बदले मुझे 100,000 अशर्फियों के मूल्य के सोने के सिक्के देने होंगे। क्या आपको यह चुनौती मंजूर है महाराज? हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं पंडित रामकृष्ण की ओर से। दिक्कत है पंडित रामकृष्ण हमारे बुद्धिमान है प्रसिद्ध है, ये करेंगे आपकी चुनौती पूर्ण। चुनौती में उलझाना तो कृष्णदेव राय को था, पर कोई बात नहीं, ये पंडित नाकामयाब होकर चुनौती अपने महाराज पर ही मरेगा। और महाराज अगर ये महोदय नहीं कर पाए तो मैं फिर से पूछता हूं महाराज, अगर पंडित रामकृष्ण ये नहीं कर पाए तो क्या ये अपने अष्ट दिग्गज पद को त्याग देंगे? पंडित रामकृष्ण महाराज, क्या आपको ये चुनौती स्वीकार है?
स्वीकार है महाराज। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। ये हुआ पंडित रामकृष्ण पर दोहरा वार। आदिनाथ को मृत्यु दंड मिल गया है। पंडित रामकृष्ण को अपना अष्ट दिग्गज का पद त्यागना ही होगा। और यदि पंडित रामकृष्ण इस चुनौती को पूर्ण नहीं कर पाया तो भी अष्ट दिग्गज का पद गया। हमें केवल ये तय करना है कि पंडित रामकृष्ण सिराज द्वारा दी गई चुनौती को किसी भी प्रकार पूर्ण न कर पाए। वो चले पंडित रामकृष्ण सेठ बालाचंद्रु को कोयला बेचने। चलेंगे सिराज महोदय, अवश्य चलेंगे, किंतु आज नहीं, कल। आज मैं आवश्यक कार्य में व्यस्त हूं। आज चलिए कल चलिए पंडित रामकृष्ण, पर आपकी हार तो पक्की है। वो तो कल ही ज्ञात होगा सिराज महोदय। ठीक है फिर पंडित रामकृष्ण, कल मिलते हैं। पंडित रामकृष्ण, प्रतीत होता है कि आपको सेठ बालाचंद्रु के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। उसके जैसा कंजूस व्यक्ति ना कभी देखा ना सुना। एक बार तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे आज्ञा का उल्लंघन करने की? मैंने कहा था, मना किया था, फिर भी मेरी बात तूने नहीं माना। सेठ बालाचंद्रु इतना मत डांटो, बालक है वो। अरे खा खा कर घोड़ा बन गया, तुम्हें बालक दिखाई देता है? इस नाला को मैंने कहा था एक सीढ़ी छोड़कर चढ़ना, चप्पल कम घिसेगी, फिर भी ये दो सीढ़ी छोड़कर चढ़ा। तो अच्छा है ना चप्पल कम घिसी होगी? अरे चप्पल कम घिसी पर इसकी धोती फट गई, उसका क्या? बड़ा ही विचित्र व्यक्ति है और इतना कंजूस। पंडित रामकृष्ण, ऐसे कंजूस सेठ को आप एक कोयले की बोरी 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में कैसे बेचेंगे? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पंडित रामकृष्ण, वो कहते हैं ना कि प्रयत्न करने वाला एक दिन अवश्य सफल होता है, परंतु आपके संदर्भ में ऐसा होना असंभव लग रहा है। अब देखिए, एक तो आपको मृत्युदंड प्राप्त आदिनाथ की पत्नी को उत्तर देना है, जिसे आपने हमारे समक्ष अपनी अम्मा की शपथ लेकर वचन दिया था, और अब ऊपर से नया संकट। हमें आपसे सहानुभूति है पंडित रामकृष्ण, परंतु हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। रामा, तथाचार्य सत्य कह रहे हैं, शीघ्र इस संकट से बाहर निकलने का उपाय सोच, अन्यथा अष्ट दिग्गज का पद भी त्यागना पड़ेगा और दरबार से भी निष्कासित होगा। हाँ बंधु, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आदिनाथ ने भरे दरबार में स्वयं को अशुभ क्यों कहा? राज दरबार? पंडित जी, जब मैं राज दरबार गया ही नहीं तो कैसे संभव है कि मैंने महाराज के आगे अपना अपराध स्वीकार किया हो? मैं तो रनिवास में अपना कार्य कर रहा था जब सैनिकों ने आके मुझे बंदी बना लिया, और तब से मैं कारावास में ही हूँ। कैसी बातें कर रहे हो आदिनाथ, होश में तो हो?
तुम मेरे सामने वहाँ? मैं अपने परिवार की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं राज दरबार नहीं गया। प्रतीत होता है आदिनाथ को कुछ स्मरण ही नहीं है। तुमसे कारागृह में मिलने कोई आया था? आए थे, गुरुवर आए थे। भगवान उनका भला करे, अत्यंत दयालु व्यक्ति हैं वे। मेरे लिए वो भगवान शिव की संकट हरण भस्म लेकर आए थे। एक अपरिचित व्यक्ति के प्रति मन में इतना स्नेह, तभी तो वे राजगुरु के पद पर प्रतिष्ठित हैं। गुरुवर, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो परीक्षा के क्षेत्र में था। पंडित जी, मेरी रक्षा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। तुम चिंता मत करो आदिनाथ, मैं कुछ करता हूँ। तुंदप्पा, तुंदप्पा। मेरे प्रिय शिष्यों, आज मैं आप सबका बुद्धि परीक्षण करूंगा। मान लो आप एक दुर्ग में हो जो चारों दिशाओं से सुरक्षित है और शत्रु उस दुर्ग के अंदर सुरक्षित बैठा है, तो उस दुर्ग पर विजय प्राप्त कैसे करोगे? गुरुवर, इस प्रश्न का उत्तर हम हमारे पिताजी से पूछकर आपको देंगे। वो एक अविजित योद्धा है, उन्हें युद्ध का अनुभव है। बैठ जाइए। गुरुवर, हमें आपके इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात है। तुम्हें उत्तर ज्ञात है, तो कृपया अपने सहपाठियों के साथ उत्तर को साझा करो। गुरुवर, हम अपने शत्रु पर सीधा आक्रमण करेंगे। हम अपनी सेना को आदेश देंगे कि वह दुर्ग के मुख्य द्वार को तोड़ डाले और उसके पश्चात हम दुर्ग में प्रवेश करेंगे और हम शत्रु पर आक्रमण करेंगे और हम उसको पराजित कर देंगे और दुर्ग पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अरे कुंडप्पे, काहे होत अधीर? खीर के बीचों बीच उंगली डालेगा तो उंगली जलेगी ही ना। तू पात्र के कोने में से खीर का, वहाँ उष्णता कम होती है। जब तक तू पात्र के कोने से खीर समाप्त करेगा, तब तक पात्र के बीच में बची हुई खीर की उष्णता भी कम हो जाएगी, समझा? युधवीर, तुम इस कक्षा के सबसे तेजस्वी छात्र हो, इसलिए तुम मेरे प्रिय हो। धन्यवाद गुरु। गुरुवर, युधवीर का उत्तर गलत है। अच्छा, तो तुम मुझे सिखाओगे क्या सही है क्या गलत? अपने नाम का तो तुम शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते और चले हो सही और गलत का निर्णय करने। गुरुवर, दुर्ग के बीचों बीच सुरक्षित बैठे शत्रु को पराजित करने के लिए हमें उसे चारों ओर से घेरना होगा और उसके पश्चात उस घेरे को सिकुड़ते हुए हम उसे पराजित कर सकते और दुर्ग पर विजय पा सकते। गुंडप्पा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। गुंडप्पा, तुम्हारा उत्तर पूर्व प्रमाणित युद्ध रणनीति है। आओ। प्रणाम विद्याधर। प्रणाम महामंत्री जी। आप गुरुकुल में? यहाँ से गुजर रहे थे विद्याधर जी, तो सोचा कि गुरुकुल का हाल याद कर लिया जाए। अहो भाग्य हमारा। विद्याधर जी, एक बात बताइए, सारे छात्र कक्षा के अंदर परंतु गुंडप्पा अकेला बाहर खड़ा है, ऐसा क्यों? महामंत्री जी, गुलूवल ने मुझे गुलूकुल के सभी पात्रों में जल भरने का और गुलूकुल की सफाई करने का आदेश दिया है। महामंत्री जी, गुरुकुल में शिष्यों को हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिससे वो जीवन के हर छोटे बड़े कार्य को सफलतापूर्वक कर पाए। धन्य हो गुंडप्पा, बिना किसी त्रुटि के हमारे दिए गए कार्य में सफलता प्राप्त की है। शिष्यों, गुंडप्पा के लिए तालियां बजाओ।
पुत्र जाओ अपना स्थान ग्रहण करो। जाओ गुंडप। जयधर जी अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम महामंत्री जी। प्रणाम। गुंडप्पा अति शीघ्र में तेरा गुरुकुल में प्रवेश निषेध करा दूंगा, बस थोड़ी प्रतीक्षा कर। अभी चेहरा क्यों लटका रखा है, कहीं पुनः निष्कासित होकर तो नहीं आ गए? हाँ, इसका तो ये प्रतिदिन का कार्य है। मुझे आपसे बात करनी है। पंडित रामाकृष्णा, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरे पति को कारावास से बाहर निकलवाएंगे, परंतु महाराज ने तो उन्हें मृत्युदंड दे दिया है। मैं अपने बच्चों की शपथ लेती हूँ कि जिस दिन मेरे पति को मृत्युदंड दिया जाएगा, उस दिन आपकी इसी चौखट पे मैं अपने बच्चों के साथ प्राण त्याग दूंगी और हमारी मृत्यु के जिम्मेदार आप होंगे। अरे मैं तो आदिनाथ का भला चाहता था अम्मा, उसके और उसके परिवार की चिंता करके उसे जनिवास में सेवक के पद पर नियुक्त करवा दिया था। मुझे क्या पता कि परिणाम इतना भयावह हो जाएगा। हे माँ, जो दूसरों का भला करते हैं उनका सदा भला ही होता है, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, देखिए आपको व्यर्थ के विचार छोड़ देने चाहिए, अब ये सोचिए कि आदिनाथ की रक्षा कैसे करें। अरे आदिनाथ की रक्षा पहले करूं या उस बाला चंद्रु सेठ को 10 सहस्र स्वर्ण मुद्राओं में कोयला बेचूं? अब ये बाला चंद्रु कौन है? ये मोटा सा नगर का सेठ है अम्मा, बड़ा ही कंजूस है। एक व्यक्ति ने महाराज को चुनौती दी तो महाराज ने वो चुनौती मेरे सर पे डाल दी। से क्या हुआ? क्षमा करना, शुद्धा लगी थी। प्रतिदिन गुरुकुल से लौटते ही तुझे शुद्धा लग जाती है, गुरुकुल में करता क्या है तू? गुरुजी, धन के लिए ऐसी भी क्या लालसा कि उसके लिए आप भिखारी बन गए? और तो और, अपने प्यारे शिष्य को भिक्षा मांगने के लिए भिखारी बना दिया। मूर्ख गधो, ये भेष हमने पंडित रामाकृष्णा के घर जाकर रानियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए धारण किया है। हम पंडित रामाकृष्णा से उस प्रश्न का उत्तर लेंगे, उत्तर जाकर रानियों को देंगे और रानियां हमें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देंगी। तो ये बुड्ढा स्वर्ण मुद्राओं के लिए भिखारी बना है। ए, सुनो, यदि तुम दोनों से कुछ त्रुटि हुई तो हमसे बुरा कोई ना होगा। पूरे जग में आपसे बुरा कोई दूसरा है ही नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं गुरुजी, प्रशंसा कर रहे थे इस रूप की गुरुजी। ये क्या है तुम्हारा इतना दुस्साहस? हम भिखारी नहीं है। तो कौन हो भाई? हम विजयनगर के राजगुरु दत्ताचार्य। हमने आपको पहचाना नहीं। गुरुजी अपना रूप प्रकट कीजिए। हाँ, क्षमा करना गुरुवर, वो भूलवश त्रुटि हो गई। हमें ज्ञात नहीं था कि आपके रिक्त समय में ये व्यवसाय भी करते हैं। मूर्ख, हमने ये रूप पंडित रामाकृष्णा के लिए धरा। पंडित रामाकृष्णा के लिए क्यों गुरुवर? ओ,
हम तुम्हें क्यों बताएं? अब मत बताइए। तुम हमें बताओ, गुंडप्पा को गुरुकुल से बाहर निकाला या नहीं? गुरुवर, अति शीघ्र बाहर कर दूंगा। गुरुवर, वो कार्य आज ही संपन्न हो जाता, परंतु तिमरासु जी ने सब चौपट कर दिया। तिमरासु गुरुकुल में क्या कर रहा था? वो आप ही जान ले। उचित पूछ लेंगे, परंतु ध्यान रहे वो गुंडप्पा कल गुरुकुल से बाहर हो जाना चाहिए, अन्यथा हमारी आज्ञा की अवहेलना करने का परिणाम तुम भली भांति जानते हो। जी जी गुरुवर, मैं जाऊं? जाओ। ए रुको, ए लेके जाओ। क्षमा करना गुरुवर। ए गुरुजी, चलो चलो गुरुजी। जो स्वयं लापता है उसका परिचय कैसा? दुष्ट स्वयं त्रुटि करता है और दोष दूसरों पे लगाता है। तू झूठा और धूर्त बालक है, जाओ और पुनः जल संचय करो। गुंडप्पा, तुम्हें ज्ञात है ना तुम्हारे घर के भोजन में कितनी रुचि है? यति दिन प्लेटानिक का अंत होना असंभव है, मुझे शिक्षित होने का विचार त्यागना होगा। कल से मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा। हाँ, यही मेरा अंतिम निर्णय है, अब मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा। मुझे शारदा, अम्मा और लामा को अपने निर्णय से अवगत करा ही देना चाहिए। रामा, तूने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं किए, विकट से विकट परिस्थितियों में भी संयम रहकर निडरता से उसका सामना किया है। शहीद अन सिंह जैसे योद्धा को परास्त किया है, हर समस्या का अपनी बुद्धिमत्ता से समाधान निकाला है। मुझे विश्वास है कि इस संकट से भी तू विजय होकर निकलेगा। हाँ, सत्य कहा माँ आपने। देखिए, हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। आवश्यकता है आप समस्या के विषय में नहीं, अपितु उसके हल के विषय में चिंतन करें, कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल जाएगा। तुम दोनों सत्य कह रही हो, जब तक कोई कार्य पूर्ण नहीं हो जाता असंभव ही प्रतीत होता है। मुझे धैर्य से सोचना चाहिए, कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा। जब तक कोई कार्य पूर्ण नहीं होता असंभव ही प्रतीत होता है। तेरे द्वार खड़ा है जोगी। गुरु जी क्या कर रहे हैं, ये पंडित रामाकृष्ण का घर है, सुदामिनी देवी का घर नहीं जो आप जोगी जोगी कर रहे हो। त्रुटि हो गई, त्रुटि हो गई। घर पर जोगी खड़ा है। तुम ही तो बोलो मूर्खो। हम जानते हैं पंडित रामाकृष्ण, आप अभी आदिनाथ की पत्नी को दिए वचन और सिराज की चुनौती को लेकर चिंतित होंगे, किंतु हम आपको कभी इन चिंताओं का हल ढूंढने नहीं देंगे, और इसी बहाने हम आपसे रानियों के प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त कर लेंगे। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। शारदा देवी, ये पंडित रामकृष्ण क्यों नहीं आया? बाबा पात्र आगे कीजिए। अरे पुत्री, भिक्षा तो दे दी, अब हमारे एक प्रश्न का उत्तर भी दे दो। प्रश्न? कैसा प्रश्न? नहीं, वो तो हम घर के स्वामी को ही बता सकते हैं। बाबा, घर का स्वामी व्यस्त है। अपमान! नहीं लेंगे, अपनी भिक्षा वापस लो, हम इस घर से भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। नहीं नहीं बाबा, आप रखिए, हम घर के स्वामी को भेजते हैं। तो बुलाइए। आएगा, आएगा, अवश्य आएगा। अब आएगा गुरुजी। कहिए जो भी
आप लोगों का चेहरा परिचित सा क्यों प्रतीत हो रहा है? परिचित हम भोले बम। अरे बाबा, घूम क्या रहे हैं? घूमना बंद कीजिए और जो प्रश्न पूछना था वो पूछिए। ये क्या है प्रश्न? ये है बच्चा, जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ तो कौन सा प्रहर था? है पृथ्वी का निर्माण? आप बड़ी महारानी से ये पूछिए कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ तो प्रथम रात्रि हुई थी या दिवस? बाबा, क्या ये दोनों आपके शिष्य हैं? हाँ, नहीं, ये हमारे शिष्य नहीं, ये हमारे चेले हैं, ये भी भिक्षा मांगते हैं। ये गुरुवर और धनी मनी भिक्षुक के भेष में मुझसे मेरे द्वारा ही बताया गया प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? हो प्रतीत होता है दोनों रानियों ने गुरुवर से ये प्रश्न पूछा है और उत्तर ज्ञात ना होने पर ये भेष बदल कर मेरे पास उत्तर पाने की अभिलाषा से आए हैं। क्या हुआ बच्चा, किस सोच में डूब गए हो? बोलो बताओ। जी गुब बाबा बाबा बाबा, वो बात ये है कि वैसे तो प्रश्न अत्यंत ही जटिल है, किंतु आपके सौभाग्यवश इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात है मुझे। ज्ञात है तो शीघ्र हमें बताओ बच्चा। जी, क्या है कि उत्तर अत्यंत ही सरल है। हुआ यूं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो जो सो रहा था अर्थात जो निद्रा मग्न था उसके लिए रात्रि थी। अच्छा। और जो जाग रहा था उसके लिए दिन था। हाँ वो तो है, तो हम जाएं। हाँ? ए, हाँ, चलो 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 हम बोले हम। इस प्रश्न का उत्तर गलत है गुरुवर, क्योंकि वास्तव में इस प्रश्न का कोई उत्तर है ही नहीं। महाराज ने स्वयं को कक्ष में बंद करके रखा हुआ है, मिलने जाओ तो कहते हैं कि सर्वप्रथम प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब जाके भीतर आने की अनुमति मिलेगी। प्रणाम महारानी चिन्ना देवी जी। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम महारानी तिरुमलम्बा जी। प्रणाम गुरुवर। क्या आपको उस प्रश्न का उत्तर ज्ञात हुआ? महारानी चिन्ना देवी जी, इसका उत्तर तो हमें पूर्व में ही ज्ञात था। वो क्या है कि हम इस उत्तर की पुष्टि कर रहे थे, तो पुष्टि करते करते थोड़ा विलंब हो गया। तो गुरुवर शीघ्र बताइए ना कि उत्तर क्या है। महारानी तिरुमलम्बा जी, इस प्रश्न का उत्तर तो बड़ा ही सरल है। अब देखिए, निद्रा में मग्न जो व्यक्ति होता है उसके लिए दिन भी रात्रि के समान होता है, और जागे हुए व्यक्ति के लिए रात्रि भी दिन के समान होती है। ठीक उसी प्रकार जब धरती का निर्माण हुआ तो उस प्रहर में जो व्यक्ति जागा हुआ था उसके लिए दिन था, और जो निद्रा में मग्न था उसके लिए रात्रि थी। वाह गुरुवर वाह, ये उत्तर गलत है। किंतु पंडित रामकृष्ण ने तो यही उत्तर दिया था। हाँ। महारानी, ये जो धनी है इसका कहने का तात्पर्य ये है, यदि ये प्रश्न आप रामा से पूछेंगी तो पंडित रामकृष्ण भी इसका यही उत्तर देंगे। परंतु महारानी चिन्ना देवी जी, ये उत्तर गलत क्यों है? गुरुवर, ये प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में नहीं है, ये प्रश्न पृथ्वी के संबंध में है। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो उस समय पहर कौन सा था, दिवस था या रात्रि? ओ अच्छा 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 अच्छा, तो ये प्रश्न था। गुरुवर, अगर अब आप इस प्रश्न को समझ गए हैं तो शीघ्र इसका उत्तर दीजिए ना, पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। हाँ, इसका उत्तर हमें ज्ञात है महारानी तिरुमलम्बा जी, परंतु अभी हम इसका उत्तर आपको नहीं दे सकते। परंतु क्यों गुरुवर? क्योंकि अभी हमें पुनः इसके उत्तर की पुष्टि करनी होगी, क्योंकि हम पुनः आपको गलत उत्तर नहीं दे सकते, तो इसके लिए पुनः हमें निवास पर जाकर गहरे ध्यान में बैठना होगा। पुनः? जी पुनः। तो हमें आज्ञा दीजिए। रुकिए गुरुवर। जी महारानी तिरुमलम्बा जी, क्या हम आपकी कोई और सेवा कर सकते हैं? गुरुवर, सेवा आप नहीं, अब हम करेंगे।
हमने महाराज के लिए करेले का स्वादिष्ट पुलाव बनाया है, परंतु महाराज उत्तर मिलने से पूर्व इसका सेवन करेंगे नहीं, तो आप ही कर लीजिए। नहीं, आपको इस करेले के पुलाव का सेवन करना ही पड़ेगा। अब आएगा आनंद धनी। आनंद नहीं, अति आनंद। गुरुवर लीजिए, खाइए स्वादिष्ट करेले का पुलाव। महारानी तिरुमलम बाजी, वो क्या है कि हम अपनी सभी वस्तुएं जो हैं अपने शिष्यों के साथ बांटते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो इसे भी हम बांट लें। गुरुवर, इसमें आज्ञा की क्या आवश्यकता है? धनी बनी, मेरे बच्चों, लो मेरे बच्चों, खाओ, जी खोल कर खाओ, खूब खाओ, सब खाओ, सब खा जाओ, सब खा जाओ, खाओ खाओ। गुरुवर, आप भी खाइए। जी अवश्य, क्यों नहीं, अवश्य महारानी तिरुमलम्बा जी। हमारे द्वारा स्वादिष्ट एवं विशेष व्यंजनों को खाने के पश्चात व्यक्ति प्रायः ऐसी ही प्रतिक्रिया देते हैं। गुंडप्पा, तुंडप्पा, तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? तुम्हें गुरुवर ने बुलाया, आओ हमारे साथ। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। भोजन लाए हो? जी लाओ, हमें दो। और वो भोजन जो तुमने छुपाया है, जाओ अपने कार्य पर लग जाओ। आज मुझे क्या करना होगा गुलवर? तुम्हें ये जंगल झाड़ी साफ कर इस स्थान पर क्यारी बनानी है। जो आ गया गुलवर। गुंडप्पा, कार्य करते समय थोड़ा सावधान रहना, यहाँ बहुत सांप है। मुझे विश्वास है गुंडप्पा, तुम ये कार्य कदापि नहीं कर पाओगे और तुम्हें ये गुरुकुल छोड़कर जाना ही होगा। गुंडप्पा, तुमने परीक्षा में मगरमच्छों का सामना किया था और आज एक छोटे से सांप से भयभीत हो गए। गुंडप्पा, कार्य समाप्त करने के पश्चात ही तुम्हें कक्षा में आने की अनुमति है। गुंडप्पा, माफ करना तुंडप्पा, चिंता मत करो, अगर तुम्हें इन सांपों से पार मिल गया तो मैं स्वयं इस स्थान को साफ करूंगा और क्यारी भी बनाऊंगा, मैं वचन देता हूं। पंडित रामाकृष्णा, पंडित रामाकृष्णा, सुनिए भोजन तो कर लीजिए। बापू, भोजन आरंभ किया नहीं कि संकट के गहरे बादल मंडराने लगे।
आदाब पंडित रामकृष्ण। तो क्या आप सेठ बालाचंद्र को कोयले की बोरी बेचने के लिए तैयार है? हे मां, अब तक सेठ बालाचंद्र को कोयला बेचने का कोई उपाय नहीं सूझा है। कैसे बेचूंगा कोयला? ऊपर से आदिनाथ को भी मृत्यु दंड से बचाना है। क्या करूं, कैसे करूं? मां तू ही रक्षा करना। किस सोच में डूबे हैं पंडित रामकृष्ण? आप तो इतने ऊंचे अष्ट दिग्गज के पद पर आसीन हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर सोचा होगा आपने। पंडित रामकृष्ण, आजमाइश करनी है या फिर आपने पहले ही हार मान ली? नहीं नहीं, चलिए चलिए। स्थान को लिख कर दो, मेरी शिक्षा का सवाल है। किंतु एक बात स्मरण रखना, जीवन में हर कदम पर सोच विचार करके ही निर्णय लेना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। इस तरह तू कभी भी पराजित नहीं होगा। तो कोई कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, असंभव ही प्रतीत होता है। और हाँ, परिस्थिति सदा एक जैसी नहीं रहेंगी गुंडप्पे, तुझे प्रतिकूल परिस्थिति का भी निडरता से सामना करना होगा। अब हमें गुंडप्पा से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। मैं नहीं भागूंगा, चाहे कितनी भी विपरीत समस्या, मैं अवश्य उसका दर्द का सामना करूंगा। शिक्षा पाने मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। क्षमा करे स्वामी, दूध कहाँ लेके जा रहा है? फेंकने स्वामी, दूध में मक्खी गिर गई तो तू क्या दूध फेंक देगा? तुझे ज्ञात नहीं दूध कितना महंगा हो गया? कुछ ही दिनों में सुवर्णकारों की दुकानों पर सुवर्ण के मोल बिकेगा दूध। इस हानि के बदले मैं तुम्हारे चार कांसे की मुद्रा काटूंगा। परंतु स्वामी, मेरा तो एक माह का वेतन ही 2 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उसी कारण मैं तुम्हारे 2 माह का वेतन काटूंगा। ये सेठ बालाचंद्र तो मेरे अनुमान से भी अधिक कंजूस और मक्खी चूस है। इसे कैसे भेज पाऊंगा 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में साधारण कोयले की बोरी? अगर आदिनाथ को भी कल मृत्युदंड दे दिया जाएगा, उसकी रक्षा करने का भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा। प्रतीत होता है इस बार मुझे अष्ट दिग्गज के पद का त्याग करना ही पड़ेगा। पंडित रामकृष्ण, इसी सेठ को आपको कोयला बेचना है। मेरी सलाह मानो और हार मान लो, और महाराज को जाके कहो कि वो खुद इस चुनौती को मुकम्मल करे। वैसे भी ये चुनौती आपके लिए नहीं थी, आप क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? नहीं, मैं एक बार तो अवश्य प्रयास करूंगा। जैसे आपकी मर्जी। प्रणाम सेठ बालाचंद्र जी। क्या? मैंने कहा प्रणाम सेठ जी। ये हुई ना बात। ओ, तो आप हैं पंडित जी। हाँ। बताइए, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? पंडित, तूने भरे बाजार में मेरा परिहास किया था, इसका मूल्य मैं सूद समेत वसूलूंगा। सेवा तो मैं आपकी करने आया हूँ सेठ जी। वो क्या है कि बड़ा ही अच्छा सा सौदा लाया हूँ विशेष आपके लिए, बस आपका थोड़ा सा समय चाहिए।
पंडित जी मेरा समय अत्यंत कीमती है। ज्ञात है सेठ जी, इसलिए मैं आपका अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा सौदे का विवरण देता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये है कोयला। शीत ऋतु में ये शरीर को उष्मा प्रदान करता है, साथ ही साथ रसोई घर में भोजन पकाने के अत्यंत आवश्यक ईंधन के कार्य भी आता है। चमचमाते दांतों के लिए वैद्य सदैव कोयले से दांतों को घिसने की सलाह देते हैं, और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे इससे अपने घरों की दीवारों पर चित्र भी बना लेते हैं। सेठ जी, एक नहीं दो नहीं, मैं आपके लिए लाया हूँ पूरी की पूरी बोरी भर के। आप प्रयोग करें, अपने परिवार को भी प्रयोग करने दें जी भर के, और इसका प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें अपने निकट संबंधी सगे और मित्र को। ये शुद्ध काला कोयला, जिसकी कालिक सदैव आपके साथ रहे, जैसे कि सच्चा मित्र हो। वाह 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 पंडित जी वाह, विवरण तो ऐसे दे रहे हो जैसे कि कोयला नहीं पारस का पत्थर लिए घूम रहे हो। मुझे कोयले की कोई आवश्यकता नहीं है, पर हां, मैं आपका मान रखते हुए मैं इस कोयले की बोरी को स्वीकार करता हूं। कृपया वहां रख दीजिए। जी हाँ, ये लीजिए। तो बताइए, मुझे इस कोयले को स्वीकार करने के लिए दाम कितना मिलेगा? दाम मिलेगा? और नहीं तो क्या पंडित जी, कोयले की बोरी मेरी दुकान में स्थान भी तो ग्रहण करेगी, उसका दाम। किंतु सेठ जी, मैं तो आपसे दाम प्राप्त करने की अपेक्षा कर रहा था। दाम प्राप्त करने की अपेक्षा, वो भी मुझसे? पंडित जी, मेरी वर्षों की कमाई हुई प्रतिष्ठा पर बट्टा मत लगाइए। जित है, आपका समय नष्ट किया, क्षमा चाहता हूं। रुकिए पंडित जी, क्षमा मांगकर आप बच नहीं पाएंगे। वैसे तो 20 कांस की मुद्रा बनती है, आप तो अपने 19 ही दे दीजिए। 20 कांसे की मुद्राएं, किंतु किस कारण से? समय कीमती है, कृपया उसका मूल्य करें। आपके अनुग्रह पर आपको अपना कीमती समय दिया, उसका मूल्य हुआ 19 मुद्राएं। भुगतान कीजिए और चलते बनिए। जितना अधिक समय आप लेंगे, मुद्राओं की संख्या भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। धन्यवाद, केवल धन्यवाद ही ऐसी वस्तु है जो मैं मुफ्त में देता हूं। आपको महाराज ने अष्ट दिग्गज पद से नवाजा है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि हार मान लो पंडित रामाकृष्णा, कम से कम आपकी 19 कांसे की मुद्राएं तो बच जाती। रामा, ये सेठ तो बड़ा घाघ निकला, इसने तुझे ही लूट लिया। अब क्या करेगा रामा, इस चुनौती में तो पराजित हो गया। मुझे अंदेशा नहीं था कि पंडित रामाकृष्णा इतनी आसानी से हार मान जाएगा। हुजूर ने मुझे कृष्णदेवराय को उलझाने के लिए भेजा है, यही मौका है। मैं पंडित रामाकृष्ण को उकसाता हूँ कि वो कृष्णदेवराय को चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दे। पंडित रामाकृष्ण, वैसे मैंने ये चुनौती महाराज को दी थी, आप तो हार गए, अगर महाराज चाहे तो एक बार आजमाइश कर सकते हैं। अब महाराज को जाके कहें कि वो इस चुनौती को मुकम्मल करे। सिराज महोदय, यदि महाराज को ये चुनौती पूर्ण करनी होती तो मुझे इसे पूर्ण करने का आदेश देते ही क्यों? सोच लीजिए पंडित रामाकृष्ण, आपके पास एक मौका और है। आप सत्य कह रहे हैं? हाँ। धन्यवाद सिराज महोदय, मैं एक बार पुनः प्रयास करूंगा। अब आज्ञा दीजिए। हाँ, प्रणाम।
पर ये मौका महाराज के लिए है। सुनिए तो पंडित रामाकृष्ण, चला गया। कोई बात नहीं पंडित रामाकृष्ण, एक बार फिर प्रयास कर लो, दोबारा भी तुम्हारा यही हाल होगा। गुंडप्पा, भोजन अवकाश हुआ है। भोजन ग्रहण नहीं करोगे? सावधान गुंडप्पा, यहां से नीचे मत उतरना, ये सांप तुम्हें काट लेंगे। अत्यंत ही स्वादिष्ट भोजन है। देखिए देवी जी, देखिए देखिए, अपनी आंखों से देख लीजिए पंडित रामाकृष्णा, आपके पति की रक्षा करने के स्थान पर कोयले की बोरी बेचने की चुनौती पूर्ण करने में लगे हैं। इनका दिया हुआ वचन मिथ्या है मिथ्या। इन्हें आपकी और आपके परिवार की कोई चिंता नहीं है। पंडित रामाकृष्ण, आपने तो हमारा भरोसा तोड़ दिया। हमें कितनी आशा थी आपसे, अब क्या करूं मैं, कहां जाऊं? देवी जी, आपके अश्रुओं का इन पंडित रामाकृष्णा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इन्हें व्यर्थ मत कीजिए। पंडित रामाकृष्णा, कोई उपाय सोचा आपने आदिनाथ की रक्षा करने का? आशा करते हैं आप अपना वचन भूले नहीं होंगे, यदि आदिनाथ को मृत्यु दंड मिल गया तो आप अपना अष्ट दिग्गज का पद त्याग देंगे। आपके वचन के साक्षी हैं हम, जो आपने हमारे समक्ष अपनी अम्मा की शपथ लेकर इन देवी जी को दिया था। देखिए देवी, मैंने केवल आपको ही नहीं, आपके पति आदिनाथ को भी वचन दिया है, और मैं अपने वचन की पूर्ति अवश्य करूंगा। आप निश्चिंत रहें, उन्हें मृत्यु दंड मिलने में अभी भी एक दिवस बाकी है। पंडित रामाकृष्णा, हम भी देखते हैं कैसे अपने वचन की पूर्ति करते हो तुम। रामा, तू कैसे करेगा अपने वचन की पूर्ति? तेरे पास एक नहीं दो चुनौतियां हैं, उन्हें कैसे पूरा कर पाएगा? अपने विश्वास से। विश्वास से? हाँ बंधु, मुझे विश्वास है कि मैं अपनी दोनों चुनौतियों को अवश्य पूर्ण करूंगा, किंतु ये ज्ञात नहीं कि कैसे करूंगा। रामा, तनाव के कारण तेरी मति तो नहीं मारी गई? कैसी बातें कर रहा है तू? तू सो जा बंधु। यार तो इन सब से कैसे छुटकारा पाऊं? अगर मैं इस कार्य में असफल हो गया तो गुलवल मुझे गुलुकुल से निकाल देंगे। हे ईश्वर, सहायता करो। गुंडप्पे, जा भीतर से गुड़ लेकर आ। रामा, तुझे किले को देखकर गुड़ खाने का मन हो गया? चुप कर, खाना नहीं है मुझे, तू लेकर तो आ, फिर चमत्कार देखना। होगा, प्रतीक्षा कर। ओ लामा, तो तेरी यही योजना थी,
गुल के लालच में तीती को बुलाया और तीती ने किले को भगा दिया। अब समझा? धन्यवाद लामा मेरे मित्र। गुलू जी कल मैं क्याली अवश्य बना दूंगा, आज का साला दिन सांपों को भगाने में चला गया। अगर कल तक क्यारी नहीं बनी तो चुपचाप अपने घर लौट जाना और दोबारा इस गुरुकुल में कदम भी मत रखना। जो आ गया गुरुजी। गुरुजी मेरे खाने का पात्र कल भी आपके लिए भोजन लाना है ना? प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुजी। पंडित रामाकृष्णा, कोई उपाय सोचा आपने आदिनाथ की रक्षा करने का? मत भूलिए यदि आदिनाथ को मृत्यु दंड मिल गया तो आप अपना अष्ट दिग्गज का पद त्याग देंगे। मैं अपने बच्चों की शपथ लेती हूँ, जिस दिन मेरे पति को मृत्यु दंड दिया जाएगा उस दिन आपकी इसी चौखट पे मैं अपने बच्चों के साथ प्राण त्याग दूंगी और हमारी मृत्यु के जिम्मेदार आप होंगे। दूध में मक्खी गिर गई तो तू क्या दूध फेंक देगा? तुझे ज्ञात नहीं दूध कितना महंगा हो गया? आपको महाराज ने अष्ट दिग्गज पद से नवाजा है, मैं तो पहले ही कह रहा था कि हार मान लो पंडित रामाकृष्ण। अरे अम्मा, गुंडप्पा गुरुकुल से आते ही रसोई में भोजन ग्रहण करने क्यों जाता है? रामा का आ गया। लामा बाहर क्यों आ गया? कुछ नहीं गुंडप्पे, बस ऐसे ही। तू बता गुरुकुल में तेरा दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा, गुरुवर भी बहुत अच्छे, बाकी छात्रों की अपेक्षा मुझ पर अधिक ध्यान देते। तू है ही उनका प्रिय शिष्य, तूने तो प्रवेश परीक्षा के समय ही उन्हें प्रभावित कर लिया था ना? वही भूल हो गई। क्या कुछ नहीं, तेला खाएगा? नहीं तू खा। लामा तो मुझे उदास क्यों प्रतीत हो रहा है? नहीं गुंडप्पे कुछ नहीं। लामा चिंता मत कर, सब ठीक होगा। तू नहीं तो मुझे तिका है, निरंतर प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। लामा इस शिक्षा का स्वयं प्रयोग कर। वाह वाह पंडित जी वाह, विवरण तो ऐसे दे रहे हो जैसे कि कोयला नहीं पारस का पत्थर लिए घूम रहे हो। मुझे कोयले की कोई आवश्यकता नहीं है। सेठ बालाचंद्रू ये कोयला नहीं पारस पत्थर ही है। महाराज कृष्ण देव राय की। महाराज क्या हुआ? महाराज महाराज हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। महामंत्री दरबार की कार्रवाई आरंभ की जाए। महाराज आज के दरबार की कार्रवाई में महाराज गजब हो गया। महाराज
आदाब महाराज। क्या हुआ श्रीराज महोदय? महाराज पंडित रामाकृष्ण विजयनगर छोड़कर भाग गए। क्या? महाराज पंडित रामाकृष्ण सेठ बालाचंद्र को कोयले बेचने के पहले प्रयास में असफल हुए। मैंने उन्हें दोबारा प्रयास करने के लिए एक दिन और दिया। आज हमारा मिलने का वादा था महाराज, पर जब मैं उनके घर सुबह पहुंचा तो मालूम चला कि पंडित रामाकृष्ण विजयनगर से बाहर गए। महाराज मुझे यकीन है कि पंडित रामाकृष्ण विजयनगर छोड़कर भाग गए। इस दोहरे वार ने पंडित रामाकृष्ण को धोबी पछाड़ मारी है। भागते नहीं तो और क्या करते? ऐसा कदम क्या महाराज? जी महाराज, महाराज कहना चाहते हैं कि ऐसा कदापि संभव नहीं है। हाँ, आपने उन्हें एक दिवस का समय। जी महाराज, सिराज महोदय, महाराज कुछ पूछ रहे हैं। क्या महाराज? महाराज, महाराज क्षमा करें, परंतु हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप पूछना क्या चाहते हैं। आपने पंडित रामकृष्ण को एक दिवस का समय दिया था, आप प्रतीक्षा कीजिए। जो आज्ञा महाराज की, परंतु पंडित रामकृष्ण विजयनगर वापस लौटकर नहीं आने वाले। आप प्रतीक्षा कीजिए, कीजिए, कीजिए प्रतीक्षा। जी हुजूर। अच्छा हुआ जो पंडित रामकृष्ण भाग गए। अब मैं कृष्णदेवराय को चुनौती मुकम्मल करने के लिए उकसाता। मेरे हुजूर को वक्त चाहिए, उन्हें वक्त मिलेगा। प्रणाम गुरुवर। कितना तो साहसी है ये गुंडप्पा, प्रतिदिन अपमानित होने गुरुकुल चला आता है। प्रणाम गुरुवर। तुंडप्पा 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 तुंडप्पा। पुनः अपने नाम का उच्चारण करो। गुंडप्पा। बिना रुके पांच बार अपने नाम का उच्चारण करो। गुंडप्पा। एक गुंडप्पा, दो गुंडप्पा, तीन तुंडप्पा। तुंडप्पा तुंडप्पा। पुनः गलत उच्चारण। गुंडप्पा, जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है उसे पूर्ण करने का प्रयास करो। सांपों को भगाओ और क्यारी का निर्माण करो। रुको, अपना थैला मुझे दो। समझदार हो गए हो। सभी छात्र कक्षा की ओर प्रस्थान करें। गुरुवर सदैव मिले वस्तु की जांच करेंगे भोजन के लिए।
परंतु मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है। तुम चिंता मत करो, लाओ। जब तुम्हें आवश्यकता होगी तब हम तुम्हें दे देंगे। चल। अत्यंत ही तेजस्वी, मेरी गणना सटीक है। तेरा भाग्य अत्यंत प्रबल है। माँ लक्ष्मी तुझसे प्रसन्न है। तेरे मन में कोई खोट नहीं। स्वर्ण कासा तेरे लिए एक बराबर, दोनों में कोई भेदभाव नहीं। और माँ लक्ष्मी का तुझसे बढ़कर कोई सेवक नहीं। सत्य वचन, आप कौन है महानुभव? हम हैं जगत प्रसिद्ध महान ज्योतिषाचार्य सीमंत प्रसन्ना। हमारे विषय में तो अवश्य सुना होगा बालक। कोई बात नहीं, हम ज्योतिषी हैं, हमसे कुछ भी नहीं छिपा। हमें यह भी ज्ञात है कि तुम्हारा समय अत्यंत मूल्यवान है, इसलिए ये रहा तुम्हारे समय का मूल्य। हम जितना समय तुमसे लेंगे उतनी ही मुद्राएं तुम्हें प्रदान करते रहेंगे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मैं आपको देखते ही समझ गया कि आप अत्यंत कोई विलक्षण व्यक्ति हो। आप मेरा जितना चाहे समय ले लीजिए, बस मुद्राओं का आवागमन निरंतर होता रहे। अवश्य, मुद्राएं तो हम आपको प्रदान करेंगे ही, और साथ में ये भी। छूकर देखो बालक, छूने का मूल्य नहीं है। ये क्या है महानुभव? ये काजल है, चमत्कारी काजल। इससे भाग्य प्रबल हो जाएगा, तुम माला माल हो जाओगे। इसे लगाने के पश्चात स्वयं पूर्वजों के दर्शन होते हैं। पूर्वजों के, वो पूर्वज जो अपने पीछे न जाने कितने स्वर्ण संग्रह के भंडार छोड़कर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे तुमने संग्रह किया है, जिसका पता केवल तुम्हें है, तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं, ना तेरी पत्नी ना तेरे पुत्र को। ये अंदर की बात आपको कैसे ज्ञात? कहा ना, हम ज्योतिषी हैं, हमसे कुछ नहीं छिपा। सोचो बालक, सोचो, तुम्हारे कितने पूर्वजों ने स्वर्ण भंडार का संग्रह किया होगा, जो कहीं किसी कोने में दबा, किसी दीवार के अंदर, किसी पेड़ के कठोर में पड़ा हुआ, तू जैसे भाग्यवान की प्रतीक्षा कर रहा होगा। सोचो। 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। नहीं महानुभव, मुझे मुद्रा नहीं चाहिए। कृपया ये चमत्कारी काजल मुझे प्रदान करके कृतार्थ कीजिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।